दोस्तों मैं इस वीडियो में मेजर फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूं या फिर कह सकते हो रिएक्शन देने जा रहा हूं, लेकिन एक लाइन में बोलने चाहूंगा कि अगर आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है, आप फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाते हो, तो यह फिल्म को जरूर जाकर देखना। अगर नहीं जाकर देखते हो तो आप फिल्म देखना छोड़ दो, कभी कोई फिल्म मत देखो। एक लाइन का रिव्यू है। चलो दोस्तों अब रिव्यू शुरू करते हैं। मैं हूँ विपिन सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी गली। मेजर फिल्म की जो स्टोरी है आपने ट्रेलर में देखा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि जो 26/11 हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल पे, उसी की कहानी दिखाई जाएगी और जो और फिल्मों में दिखाई गई है। बिल्कुल आप सही हो, लेकिन आप बिल्कुल गलत भी हो, इसलिए कि कहानी सिर्फ एक ताज होटल में जो आतंकवादी 26/11 को जो हमला किए थे उस पर तो है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है। एक सोल्जर मेजर संदीप यूनिकृष्णन की स्टोरी, बैक स्टोरी, जो बचपन में क्या सोचता है, क्या बनना चाहता है और उनके माँ बाप ने क्या शिक्षा दिया है, इस पे डिपेंड करता है। उसका माइंड बचपन में ही क्लियर है कि मुझे आर्मी में जाना है, यूनिफॉर्म पहनना है, मुझे यूनिफॉर्म से प्यार है। उसकी कहानी दिखाई जा रही है, उसके फैमिली की कहानी, उसके माँ बाप क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन होता है जब उनका इकलौता बेटा डॉक्टर नहीं बनकर आर्मी में जाना चाहता है, उसका रिएक्शन, उसकी परिवार, उसके मतलब उसकी वाइफ के साथ क्या उसका रिएक्शन है, उसका क्या रिश्ता है, उस पर दिखाया जाता है। मतलब एक माइंड सेट दिखाया जाता है। अगर आप इस फिल्म को देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, पहली बार जब सिनेमा हॉल में एंट्री करते हो इस फिल्म को देखने, और जब सिनेमा हॉल के सीट पर बैठ जाते हो और फिल्म स्टार्ट होता है, आखिरी तक एंड तक आप कहीं पर बोर नहीं होते हो और आप सीट छोड़कर उठना नहीं चाहोगे, इस तरह की फिल्म बनाई गई है। यह फिल्म भाई आपको सीट छोड़ने नहीं देगी। मतलब एक लाइन में मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप फिल्म देखते हो, आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है, तो इस फिल्म को ज़रूर देखना, वरना फिल्म देखना ही छोड़ दो बस। और दूसरी बात, मेजर संदीप यानी अदिविशेष ने जिस तरह का किरदार किया है, जिस तरह का एक्टिंग किया है, जिस तरह का अपने आप को ढाल लिया है मेजर संदीप के किरदार में, क्या ही बोलूँ मैं, गजब का शानदार और ज़बरदस्त। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ जो प्रकाश राज हैं इस फिल्म के, जो के यूनिकृष्णन यानी मेजर संदीप के पिता का किरदार किए हैं, आपको रुला देंगे, आपको इमोशनल कर देंगे। आप ऐसा सीन भी आने वाला है कि आप लगेगा कि आप अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे हैं। इस तरह की फिल्म बनाई गई है, इस तरह के इमोशंस लाए गए हैं, इस तरह का डायरेक्शन किया गया, इस तरह का ग्राफिक्स किया गया, ज़बरदस्त। और जो मेजर संदीप हैं उनके जो लाइफ जर्नी दिखाई गई है, इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग, गजब इंटरेस्टिंग। अब कहानी के एंड में जो ताज में दिखाया जाता है, ताज में जो 26/11 हमला होता है, वहाँ पे मेजर संदीप का माइंड सेट, कैसे उन्होंने आतंकवादियों के साथ डील किया, कैसे उन्होंने मीडिया के साथ डील किया, ज़बरदस्त, काबिले तारीफ है। और अदिविशेष आपने ज़बरदस्त किया है उनके इस किरदार को। मैं इस फिल्म की कहानी को बताकर आप लोगों को मज़ा धूमिल नहीं करना चाहता, इसलिए आप जाकर सिनेमा हॉल में देखोगे तब मज़ा आएगा आपको। और वाकई में डायरेक्शन ज़बरदस्त किया गया है। ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं इस फिल्म के बारे में, क्योंकि ज़्यादा बोलना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा रहेगा, इसलिए कि जब सब कुछ बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। बस एक लाइन में फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है, आप फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाते हो, पैसे खर्चा करते हो, तो भाई इस फिल्म पे पैसे खर्चा करो, जाओ देखो। जाओगे, पैसा खर्चा करोगे, फिर दूसरों को भी बोलोगे जाओ देख कर आओ। ऐसा नहीं है कि और फिल्मों की तरह जाते हो, फिल्म तो देखते हो, पैसे खर्च 200-250 रुपये खर्च करके आते हो, दूसरों को बोलते हो यार मत जाना, क्या बेहुदा फिल्म बनाई है। ऐसा नहीं है, इसमें आओगे और इमोशनल, मतलब इमोशंस के साथ आओगे और जाओगे, ऐसा फिल्म बनाया गया है। और अदिविशेष क्या उन्होंने काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है। इस फिल्म को उन्होंने लिखा भी है, और साई मांजरेकर भाई मेजर संदीप की पत्नी के किरदार में एकदम ढल गई है, क्या काम किया उनका भी किरदार मुझे इस फिल्म में अच्छा लगा। यानी और सबसे बड़ी बात है कि जो मेजर संदीप के मॉम के जिन्होंने किरदार किया रवि थी, लाजवाब यार, इमोशंस, क्या इमोशंस दिया है उन्होंने। इसलिए मैं कहूँगा जाओ इस फिल्म को देखो, और अब फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आओ मेरे कमेंट में और जो बोलना है बोल देना, अच्छी नहीं लगी तो बोल देना, अगर अच्छी लगी फिर भी आके बोल सकते हो, लेकिन अच्छी नहीं लगी तो जरूर आके कमेंट में बोलना। चलो दोस्तों फिर रिव्यू को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।